हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का अयोध्या धाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको अयोध्या की पावन धरा का दर्शन कराने के लिए निकल पड़ी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो कोहरे के धुंध के कारण हो सकता है इतना स्पष्ट आपको ना दिखाई दे, लेकिन जिस जगह को देखने के लिए भारत के करोड़ों देशवासी इस समय लालायित हो उठे हैं, उसका दर्शन मैं आप लोगों को अभी करा रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, इस समय अयोध्या का हमारी अयोध्या बदल रही है। और यहाँ पे ये देखिए, रातों रात निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि 30 तारीख को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे स्वयं पधार रहे हैं, और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री हमारे देश के योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। और यहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन स्वयं अपने हाथों से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उस जगह का भी आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, तो आप लोग भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा अयोध्या धाम, जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्माण कराया है। और यहाँ पे श्री रामायण का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें राम दरबार सजा हुआ है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को सजाया, उसी तरीके हमारी अयोध्या धाम को भी सजा रहे हैं। और ये वही रेलवे स्टेशन है जिसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं 30 तारीख को अयोध्या पधारेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, और यहाँ पे अभी सिक्योरिटी की बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था हुई है। तो दोस्तों, हम लोग को अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग अंदर से रिकॉर्डिंग करना भी अलाउ नहीं था। तो हम आपको बाहर से ही इस रेलवे स्टेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये सभी आधुनिक उपकरणों से लैस है हमारा ये रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आप लोग भी इसको देखिए और बताइएगा कि आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन कैसा लगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, और बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे निर्माण चल रहा है, क्योंकि आज की तारीख है 28 और 30 तारीख को यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारेंगे और अपने हाथों से इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे कार जोरों से चल रहा है, दिन और रात लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे ही बैनर पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं, और अयोध्या को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग जमी पे ही उतर आया हो, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 500 सालों की कड़ी इंतज़ार के बाद आज ये हमारा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। और जिसकी प्रतिष्ठा 22 जनवरी को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से करेंगे। और ये सौभाग्य हम लोगों को भी मिला है कि हम लोग भी उसका दर्शन कर सकें, और आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से उसका पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंडी होते हुए भी हम आप लोगों को इन सभी तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है, ये वही रेलवे स्टेशन है जिसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, और जिसका उद्घाटन करने 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और श्री राम की नगरी से अगर आप लोगों को प्यार है, तो लाइक
शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे की तरफ, हम अपनी इस यात्रा को बढ़ाते हुए आपको आगे का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये हमारे कर्म योद्धा दिन रात मेहनत करके इस नगरी को चमकाने में और इसको सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी का भी बहुत कड़े तरीके से इंतज़ाम किया गया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये दृश्य देखने के लिए स्वयं यहाँ की सारी जनता लालायित हो उठी है। तो चलिए आप लोग भी देखिए कितना सुंदर सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और इसकी एक एक बारीकी पे ध्यान दिया गया और साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रीन ग्रास मैट लगाई गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। जो और इस इसको इतने अच्छे तरीके से सजाया गया है कि यहाँ से ध्यान हटता ही नहीं है। जो भी इधर से जाता है इस दृश्य को अपने कैमरे में ज़रूर कैद कर लेता है। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है ये। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9:30, लेकिन हम अपने यूट्यूब फैमिली के लिए इसका दृश्य को दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही धुंध छाया हुआ है और इधर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये है राम जन्मभूमि का वो गेट जिसे अभी बनाया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों जिस तरीके से लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर सेना श्री राम के साथ लगी हुई थी, उसी तरीके से हमारे ये कर्म योद्धा दिन रात देखिए रोडों की सफाई किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि वो भी श्री राम प्रभु के आने पे इस धरा को इस तरीके से सजा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि स्वर्ग जमी पे ही आ गया है। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के तहत ये हमारे वानर सेना के तरीके ये हमारे कर्म योद्धा दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बदलती हुई अयोध्या आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे बल्ली और पटरी को लगा करके रोड को एकदम सुरक्षा के तहत मद्देनज़र इसको पूरा एक तरीके से पैक किया जा रहा है। क्योंकि 30 तारीख को हमारे आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और ये है नए घाट का कुछ दृश्य। तो आप लोग देखिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा। कोहरे के कारण हो सकता है अच्छे से ना दिखाई पड़ रहा हो, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है सूर्य स्तंभ जिसको नए घाट पे स्थापित किया गया है। तो ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंशज थे, इस कारण से उनकी स्मृति में यहाँ पे सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इस कोहरे में भी ऐसे चमक रहे हैं मानो हजारों सूर्य जमी पे आ गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग घर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा छाया था जिसके कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं अपने घर और मेरे घर पे भी गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है। तो आप लोग अयोध्या कभी भी आएँ तो हमारे गेस्ट हाउस में ज़रूर विजिट करें, आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू तहे दिल से आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।